स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक होगा। पहले हम अपनी पिछले वीक की एनालाइज देख लेते हैं। जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो ये 1922 के आसपास था और मेरा ये मानना था कि ये 2007 तक और 7 से जो ये ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया है इसको टेस्ट करेगा और बहुत ज़्यादा चांस होंगे यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के 2010 तक। 17 का मैंने कहा था और एक जो है वो 10 का एरिया भी मैंने बताया था कि 10 तक भी जा सकता है और 10 से भी रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन होना यहाँ से इसको रिजेक्ट ही है। और वहाँ से फिर इसके पास अगर फर्स्ट सपोर्ट बनेगी तो ये 73 की है। अगर इसको ये ब्रेक क्लोज करता है तो फिर 50 से 38 का एरिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2004 तक ऊपर की तरफ गया और वीकनेस होने की वजह से 2010 तक नहीं जा पाया, और वहाँ से जो है 2004 से जो है वो ये रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर जो है वो रिवर्सल बनाने के बाद इसने 1973 को ब्रेक क्लोज किया और रिटेस्ट करने के बाद इस एरिया को वहाँ से जो है वो इसने 50 को भी ब्रेक क्लोज किया, और ब्रेक क्लोज करने के बाद ये दोबारा जो है वो हमारा जो 1931 का जो एरिया था नीचे का उसको टेस्ट करने के बाद क्लोजिंग दी वीकली। तो ये थी हमारी वीकली एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले तो मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें, और अगर आप सब समझते हैं कि हमें हेल्प मिलती है इस एनालाइज से तो आप से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि हमें जो है वो ये अंदाज़ा हो कि हम ठीक जा रहे हैं, किस तरह है। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो वो तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं बातें नहीं रिज़ल्ट की बात करता हूँ, वो आप समझते हैं कि क्या रिज़ल्ट है या नहीं। अगर आप समझते हैं कि बेहतर रिज़ल्ट है तो मेहरबानी होगी कि आप हमें सपोर्ट करें लाइक शेयर और कमेंट्स करके। सो ये रिक्वेस्ट मेरी बार बार रहेगी आप सबसे। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो लेवल्स के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि मुझे इस तरह लग रहा है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ मूव करे, और ये एरिया अगर इस एरिया को ये ब्रेक क्लोज डे में नहीं करता तो यहाँ से इसको आना चाहिए नीचे, और इस एरिया पे इस देखिएगा काफ़ी चांस होंगे कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले ले ये। अगर इस एरिया को सपोर्ट लेता है यहाँ पर डे स्टे करता है तो यहाँ से दोबारा यहाँ तक के चांस होंगे, ठीक है। और अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है, ये आप देखिएगा, अगर नीचे आता है तो आप वेट करिएगा, यहाँ पर काफ़ी चांस होंगे कि इसको दोबारा सपोर्ट ले। और अगर ये डायरेक्ट नीचे आके यहाँ सपोर्ट बनाता है तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाने के चांस होंगे। ऊपर का जो एरिया ना ये वाला है 81 वाला, ये मतलब हायर रिजेक्शन रिजेक्शन एरिया रहेगा। फर्स्ट तो ये है लेकिन इसके बाद जो है वो ये रहेगा हायर रिजेक्शन, और यहाँ पर इसे आगे ऊपर आप बाइंग इस वीक में तो मत देखिएगा, और यहाँ से आप सेलिंग जिस तरह मैं बताता हूँ। अगर ये एरिया भी अगर ब्रेक हो जाता है, ध्यान करिएगा, अगर ये क्लोज़ करता है तो फिर इस एरिया को ब्रेक करने के बाद हो सकता है कि ये यहाँ से जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ये अगर डायरेक्टली यहाँ से इस तरह मूव होती है तो फिर नीचे से इसकी सपोर्ट, ये इसके पास जो है वो रिजेक्शन एरिया ये ही बचता है, इस तरह से होगा। और यहाँ से अगर ये यहाँ से रिजेक्ट रहता है तो हो सकता है ये दोबारा सेल भी कर जाए नीचे की तरफ। तो लेकिन वहाँ से ऊपर से मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा ये एरिया तकरीबन 81 जो है वो हाई रहेगा, यहाँ से फिर सेलिंग के चांस हो सकते हैं। लेकिन सेलिंग आप जो डेली एनालाइज होती है उसके हिसाब से फिर फॉलो करिएगा, क्योंकि डेली उस इसके जो
ऊपर 81 तक अगर चला जाता है और वहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर इसकी जो सेलिंग है वो यहीं कहीं तक 45 या फिर इससे ऊपर कहीं एरिया तक होगी, वो फिर आप डेली वाले में उसमें एनालाइज में फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि इसमें किस तरह की पोजीशंस हैं। अभी दोनों लेवल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, तो यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है 55 से 61 तक, और इसको ब्रेक क्लोज भी कर सकता है। अगर ये इसको ब्रेक क्लोज करता है तो फिर ऊपर वाला एरिया देखने के बाद मतलब जो है वो इसके अंदर ज़्यादा मतलब ये मेरा ख्याल है कि यहाँ से रिजेक्ट हो, लेकिन अगर ख्याल से तो नहीं चलती मार्केट, अंदाज़े होते हैं तो अंदाज़े गलत भी हो सकते हैं। आप मार्केट को रनिंग में फॉलो करिएगा। अगर ये इसको डे ब्रेक क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ तक जो है वो जाने के चांस होंगे, और यहाँ से अगर ये यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ निकलता है और इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी अच्छे चांस होंगे यहाँ से इस तरह के सेलिंग के। तो ये है हमारी जो है वो वीकली एनालिसिस, और मेरा ख्याल है कि इन्हीं लेवल्स के बीच में ये वीक जो है वो रहेगा, और अगर किसी लेवल से ऊपर निकल जाता है नीचे निकल जाता है तो फिर हम डेली जो एनालाइज करते हैं उसके अंदर मज़ीद जो है वो नीचे के या ऊपर के लेवल जो है वो मैं डेली बेसिस पे जो एनालाइज करता हूँ उसमें बता दूंगा। तो मेरी समझ के मुताबिक जो है वो मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।